जो पार्टी के ए टू जेड पॉलिसी के अगेंस्ट, अगर ब्राह्मण नहीं है तो हिंदू धर्म की कोई जाति भी यहाँ की नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक यदुवंश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी कर दी और बताया कि ये लोग रूस से आए हैं, यूरेशियाई हैं, और जिसको लेकर विवाद अब उत्पन्न हो गया है। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से ही सवाल उत्पन्न होने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष रजनीश जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजद को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। वो इसलिए कि तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार सभी जाति समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी में मनोज झा भी हैं, शिवानंद तिवारी भी हैं, और इन सभी नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर एक नेता दूसरे नेता की जाति के खिलाफ अगर बयान दे तो। इसको लेकर उन्होंने बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को और खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी जी को इन तमाम मुद्दों को लेकर इन सभी नेताओं से सख्ती से निपटना चाहिए। उधर जनता दल यूनाइटेड ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बड़ा बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग पहले भी कह चुके हैं, और तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल ये स्पष्ट करे कि इन नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को, क्या कुछ कह रहे हैं रजनी जी, जिन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है और तेजस्वी यादव से अपील की है कि इस तरीके के बयान से पार्टी की छवि खराब होती है। जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था तो क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मण वेश में अर्जुन का स्वयंवर में भाग लेने से निषेध किया था, तो माधव श्री कृष्ण ने कहा था कि यह सभा भी क्षत्रियों को तो ब्राह्मण की देन है, मतलब अर्थात अगर ब्राह्मण नहीं है तो हिंदू धर्म की कोई जाति भी यहाँ की नहीं है। अगर ब्राह्मण रूस का है तो हिंदू धर्म की जो जातियाँ, खास के यादव, राजपूत, ये जो भी हैं, सभी जातियाँ, जितनी भी चारों वर्ण हैं, सभी रूस के ही हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसा बात लाते और बोलते हैं, बिना प्रूफ के, बिना पढ़े बात नहीं बोलना चाहिए। और जब तेजस्वी जी ने साफ कह दिया है कि पार्टी की ए टू जेड पॉलिसी है, इस तरह का कोई बयान कोई नेता नहीं देगा, या तो मुख्य प्रवक्ता देंगे या वो स्वयं देंगे, फिर ऐसा बात बोलना ही नहीं चाहिए। और पार्टी में दो दो ब्राह्मण लीडर, शिवानंद तिवारी और डॉक्टर मनोज झा, इन लोगों को कितना खराब लगेगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए जो पार्टी के ए टू जेड पॉलिसी के अगेंस्ट। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।